शाहीन बाग वालों तक एक एक भाई वीडियो भेज दे। और मैं अकेला नहीं हूँ, इस वक्त कम से कम 20 गाड़ियां मेरे साथ हैं। बारिश हो रही है बहुत तेज। बारिश बहुत तेज हो रही है और 19 गाड़ियां मेरे साथ हैं और कम से कम 64 लड़के मेरे साथ हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला नहीं है राकेश त्यागी। कहीं कोई ये समझ रहा हो कोई शाबी शाहीन बाग वाला गद्दार कन्हैया कुमार जैसा, भीम आर्मी के रावण जैसा, जो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, बख्शा नहीं जाएगा उन लोगों को। आज बारिश हो रही है, मैं भी देखता हूँ वो लोग टेंट में बैठते हैं या हमारे जाने के बाद वहां से भागते हैं। और राकेश त्यागी पीछे हटने वालों में से नहीं है, जो कह दिया वो करेगा और आज ही करेगा। बारिश हो रही है, बीच में जाम लग सकता है, लेकिन जाम हमारे जाम हो या कोई भी बात हो, हमारी ताकत को, हमारे हौसले को, हम आगे चलते रहेंगे। हम दिल्ली पुलिस से सस्पेंड इसलिए नहीं हुए हैं अपने घर में रोटियां तोड़ने के लिए, जैसे मैं अपनी लाइव वीडियो में हर बार कहता हूं, गंगा में नहाने से गधे इंसान नहीं बन जाते। वंदे मातरम वही लोग गाते हैं। हम कोई डेट निश्चित नहीं करते कि हम वहां जाएंगे उस दिन वो काम करेंगे, आज ही करेंगे, इसी वक्त करेंगे। और राकेश त्यागी जो कहता है वो करता ही है, आपको पता है इस बात का। जब एक एफआईआर हो गई, जब एक एफआईआर हो गई तो 20 एफआईआर लेने के लिए राकेश त्यागी है। राकेश त्यागी ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की नौकरी से सस्पेंड किया गया, अपनी रोटियां तोड़ने के लिए नहीं किया गया। आज शाहीन बाग में तांडव होगा, या तो वो रहेंगे, वो तो खैर नहीं रहेंगे, हम ही रहेंगे, हम ही रहेंगे। इस वक्त शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, उनको बोल देना राकेश त्यागी आ रहा है 20 गाड़ियों के काफिले के साथ और 70 लड़कों को साथ लेके। कोई ये ना समझे कि राकेश त्यागी अकेला है, कोई ये ना समझे कि